आइए कि बिल्कुल सही होगा। अमरनाथ भारती जी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं कि किस आदमी को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए और कौन आदमी किस भूमिका में रहेगा। भजन सेना का नाम से बहुत ही अच्छा संगठन है, क्योंकि छोटे छोटे संगठन हम लोग लाखों चला रहे हैं लेकिन हम इकट्ठे नहीं आ पा रहे हैं। जैसा कि मुझे कल से अभी तक जो बताया गया कि मुख्य उद्देश्य भजन सेना का क्या है कि हम जितने भी छोटे छोटे संगठन चला रहे हैं उनको सबको एक प्लेटफार्म पर ला करके एक ही पार्टी, एक ही अपनी राष्ट्रीय पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, या उसको हम ये करें हमारे महापुरुषों की विचारधारा को हमें शासन सत्ता में लाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि पार्टी हमारी एक ही है, राष्ट्रीय पार्टी एक ही है। ना हम बीजेपी में जा सकते हैं, ना हम समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, ना हम कांग्रेस में जा सकते हैं। और सच्चाई तो यह है हम चले भी जाएं तो वो हमको कभी हजम नहीं कर पाएंगे, हम उनको हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। इस दुनिया में, इस देश में दो ही विचारधारा चलती हैं, या तो मनुवाद या फिर अम्बेडकरवाद, और हम अम्बेडकरवादी हैं तो मुझे कभी हजम नहीं कर पाएंगे वो। इस छोटे भाई अमरनाथ भारती ने अच्छा संगठन बनाया और लाख लाख बधाई हैं इसको, भजन सेना के नाम से बहुत ही अच्छा संगठन है, क्योंकि छोटे छोटे संगठन हम लोग लाखों चला रहे हैं लेकिन हम इकट्ठे नहीं आ पा रहे हैं। जैसा कि मुझे कल से अभी तक जो बताया गया कि मुख्य उद्देश्य भजन सेना का क्या है कि हम जितने भी छोटे छोटे संगठन चला रहे हैं उनको सबको एक प्लेटफार्म पर ला करके एक ही पार्टी, एक ही अपनी राष्ट्रीय पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, या उसको हम ये करें हमारे महापुरुषों की विचारधारा को हमें शासन सत्ता में लाना है। हम संगठन के नाम पे हो सकता है अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हम किसी के अध्यक्ष हैं, किसी के अध्यक्ष हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसी संगठन के उपाध्यक्ष हैं, संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन वोट के नाम पर हम एक ही जगह पर रहें। और यही एक मुख्य उद्देश्य है कि हम 2022 में अपनी सरकार और सत्ता लाएंगे, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। वरना ये मनुवादी सामंतीय ताकतों ने वो सिस्टम बनाया है कि हमारा ही वोट का अधिकार वो खत्म करने की इच्छा रख रहे हैं, और उन्होंने सब संविधान जलाया, वोट का अधिकार जलाने की कोशिश की, और बहुत ही ऐसे मतलब हमारे प्रति उन्होंने की उनकी जो नीच मानसिकता है वो करते ही रहते हैं। जब सरकार में आए तो उन्होंने और बढ़ चढ़ के उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, हमको नीचा दिखाने के लिए, कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, परम पूज्य बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया, परम पूज्य बाबा साहब इस संविधान में जो हमको अधिकार मिले हैं, इच्छा स्वेच्छा और भी कई चीज़ें जो मिली हैं उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये हम भा नहीं रहे 1% भी कि हमारे बराबर में कुर्सी बैठ जाए, हमारे बराबर में हवाई जहाज बैठ जाए, हमारे बराबर में 20 रुपये की जो बोतल बिसलरी की मिलती है वो पी ले, क्योंकि हम लोगों ने तो पानी के लिए भी आंदोलन हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने किया है। और पानी का आंदोलन तो वो था, मैं आपको आधा मिनट में बताऊँ, हालांकि यहाँ पर सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं बताने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि परम पूज्य बाबा साहब ने जब महार आंदोलन शुरू किया था तो उस तालाब पर लेकर के गए थे जहाँ पर पानी भरा हुआ था, एक इकट्ठा हुआ था, जिसमें कुत्ता, गधा, मतलब एक जानवर से तुलना, मतलब वो गधा और कुत्ता पेशाब कर रहा था, उसमें पानी पी रहा था, लेकिन हमारा व्यक्ति SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग अगर छू लेता तो पानी गंदा, माने उसको पाक करने की जरूरत पड़ती थी उनको, माने वो उन लोगों ने हमको तो एक जानवर से बदतर जिंदगी जो दी थी, और उसको परम पूज्य बाबा साहब ने हमको इंसान से इंसान बनाने की कोशिश की, और आज हर जगह पर बैठाने की कोशिश की, चाहे IAS हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े पद हैं, हर जगह पर परम पूज्य बाबा साहब को तो उनको हम कभी भी भूल नहीं सकते, और उनका जो उन्होंने हमको आशीर्वाद के रूप में जो हमको ताकत दी, जो अधिकार दिया, वो कभी भूल नहीं सकते हैं। आज जो बहुजन सेना का जो संगठन, जो अमरनाथ भारती जी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में बनाया गया, इनकी एक इच्छा थी कि हम कुछ करें, और लोगों को जो बिछड़ गए हैं,
जो मिल नहीं पा रहे हैं पार्टी के प्रति, उनकी इच्छा है मैं काम करूं, लेकिन किस प्लेटफार्म पे काम करें। तो उन्होंने ये एक आंदोलन की मुहिम आज, हालांकि अब तो बकरारी ईद है, बहुत से लोग इन्वाइट किया था, दो एक ट्रेजडी भी हो गए, जो हमारे लोग और भी तीन चार गाड़ियां लखीमपुर से आने वाली थी, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी स्टार्टिंग कोई कार्यक्रम होता है तो एक ही आदमी से होता है और एक व्यक्ति अगुआ एक ही व्यक्ति होता है। जैसा कि मनवर साहब ने कहा भी है कि हम क्या क्या एक शायरी के रूप में मनवर साहब ने, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो आज तो फिर भी हम 110 के ऊपर तो है ही, 12-20 लगभग हैं। तो एक विचारधारा, हम एक विचारधारा जो कायम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश देश में, एक विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इस विचारधारा को भोजन समाज से जोड़ करके जो विचारधारा बना रहे हैं, इस विचारधारा की इतनी मजबूती ले जाना है, धरातल पर ले जाना है। आज स्टार्टिंग हमारी जो हो रही है लखनऊ प्रेस क्लब से हो रही है। आज हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं दिल्ली से, भाई अंतानी साहब आए हैं और आप आए हैं और भी लोग आए हैं। तो एक विचारधारा जो हमें, तो आज की जमाना है ना सोशल मीडिया का ज़्यादा है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और इसी श्रृंखला में, चूँकि हमारे पास समय 11 से 2 बजे है यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पास 1 घंटा है, आप लोगों को भी सुनना है, मुझे भी कुछ कहना है, तो उससे पहले हम थोड़ा स्वागत समारोह कर लें। आज की इस सभा के जो चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बुलाए गए राशि भंडार से लखनऊ से ही हैं और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं और साथ में भाई है, भतीजा भी साथ में है हमारे, जो पूर्व में रहे माननीय बहन जी के ओएसडी साहब गंगाराम और गंगा प्रसाद जी के बेटा भी आया अरुण, तुम भी आ जाओ, क्या नाम, मंच पे आ जाओ, गंगा अरुण गौतम जी हैं और ओएसडी रहे बहन जी के गंगाराम गंगा प्रसाद जी, उनके बेटे हैं, आप सुपुत्र हैं और बड़ी ही अच्छी छवि रही उनकी और आज भी है वो पार्टी से, हो सकता है अलग होने की विचारधारा हमारे साथ में है। तो मैं चाह रहा हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमरनाथ भारती जी का स्वागत हो ही गया, आप लोगों ने भी कर लिया। आज हमारे दिल्ली से कुछ चल के आए हैं, आज चीफ गेस्ट भी हमारे बैठे हुए हैं, हिणा कश्यप जी बैठे हुए हैं, तो एक बार तालियों से दिल्ली के लोगों का, लखनऊ का स्वागत भी कर लें। अब हमारे चीफ गेस्ट और हमारे दिल्ली से भाई नागपाल जी, राहुल नागपाल का मुझे परिचय देने की कोई आवश्यकता है नहीं फिलहाल, फिर भी बता दूं कि आज वो अंतर्राष्ट्रीय कवि ग्रोह में जाने जाते हैं, आप यूट्यूब पे देख लेंगे, राहुल 85 पे देख लेंगे। तो राहुल नागपाल जी का कोई परिचय देने के या मुझे बताने को मोहताज नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में एक परिचय हैं और बहुजनों की आवाज़ उठाने में उनकी अहम भूमिका रहती है।